आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही ज्यादा कद्दावर नेता की, जिनका नाम था पंडित दीनदयाल उपाध्याय। बताने की जरूरत नहीं है कि आज जितनी भी स्कीम्स हैं, मैक्सिमम स्कीम्स में इनका नाम आता है, आना भी चाहिए। इनकी आइडियोलॉजी जबरदस्त थी। 25 सितंबर यानी कि आज इनकी बर्थ एनिवर्सरी है, एक ट्रिब्यूट देंगे हम, इनकी आइडियोलॉजी को जानेंगे। बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन्होंने अपना पक्ष रखा था। इन्होंने एक बहुत ही बढ़िया चीज कही थी, इन्होंने बोला था कि सारी फिलॉसफी को साइड में रखे, अगर हम वननेस पे बिलीव करेंगे, अंत्योदय पे बिलीव करेंगे, तभी भारत का विकास होगा। सबसे आखिरी पंक्ति में जो इंसान खड़ा है, उसको जब तक लाभ नहीं होगा, तब तक भारत आगे नहीं बढ़ सकता। ये बेहतरीन बात इन्होंने कही थी। वेस्टर्न आइडियोलॉजी को छोड़ के हमको अपने कल्चर पे जाना चाहिए, तब भारत विकास के पथ पे जाएगा। और कहीं ना कहीं आज तो बिल्कुल ये सच बैठता है। वेस्टर्नाइजेशन से हम कितना झेल रहे हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। काफी उदारवादी नेता थे, राइटिस्ट होने के बावजूद इनके व्यूज काफी लिबरल थे, ठीक है, तो हम देखेंगे। और काफी ऊपर तक गए थे ये, और जो आज स्कीम्स के नाम हैं वो बताने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि ये जनसंघ के बहुत बड़े नेता थे, ये सेक्रेटरी भी बने थे, शायद बहुत बड़े नेता के तौर पे उभरते भी ये, हो सकता है लीडर भी हो जाते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनकी डेथ हो गई या मर्डर हो गया, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो इनके पूरे जीवन काल को हम देखेंगे, इनके आइडियोलॉजी को देखेंगे, इनके काम को देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। sed_eConnect सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से मेरी फेसबुक प्रोफाइल है, दोनों ही जगह आपको इनकी पीडीएफ मिल जाएगी और आप मुझसे यहाँ पे सवाल भी पूछ सकते हैं। साथ ही साथ खजाना लाए हैं हम यूपीएससी का कॉम्प्रीहेंसिव पेन ड्राइव कोर्स 22,500 रुपए में। आज ही स्टडी आईक्यू की वेबसाइट विजिट करिए, और अगर आपका यूपीएससी ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, फिलोसफी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, तो आप स्टडी आईक्यू की वेबसाइट विजिट करें, नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं या फिर वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। सारे एग्जाम्स के लिए हम पेन ड्राइव कोर्स लेके आए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इनका जो जन्म था वो 25 सितंबर यानी कि आज 1916 में हुआ था, चंद्रभान विलेज में, भैया भगवान कृष्ण की नगरी, 25 किलोमीटर दूर है वहां से, मथुरा से, मथुरा डिस्ट्रिक्ट से ये 25 किलोमीटर दूर है। लेकिन दोस्तों इनका जीवन बहुत ही ज्यादा कठिनाई से बीता, ठीक है। शुरू से ही इन्होंने अपने जितने भी करीबी थे उनको खोना शुरू कर दिया, ठीक है। 2 साल में इनकी माता का निधन हुआ, उसके बाद फिर 3-4 साल बाद इनके पिताजी का देहांत हो गया। इनके पिताजी का नाम भगवती प्रसाद था, ये एस्ट्रोलॉजर थे। भैया एस्ट्रोलॉजी बहुत ही जबरदस्त ब्रांच है साइंस की, बहुत लोग इसको अंधविश्वास भी कहते हैं, तो एस्ट्रोलॉजर थे ये। उन्होंने पहले ही बता दिया था कि ये जो लड़का है ना, ये एक फ्री थिंकर बनेगा, बहुत बड़ा स्कॉलर बनेगा और बहुत बड़ा लीडर बनेगा, नेता बनेगा। इन्होंने तो पहले ही प्रेडिक्शन कर दी थी। और इनकी माताजी का नाम राम प्यारी थी, काफी रिलीजियस लेडी थी ये, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि बहुत ही छोटे थे उस समय पंडित दीनदयाल, और उसी वक्त इनकी माताजी का देहांत हो जाता है। कुछ समय बाद इनके पिताजी का भी देहांत हो जाता है। अब 5-6 साल का लड़का क्या करेगा, वो अपने नाना जी के साथ राजस्थान सीकर आ जाते हैं वो, ठीक है। राजस्थान सीकर में इनकी इनिशियल स्कूलिंग होती है, यहां पे ये हाई स्कूल पास करते हैं, ठीक है। हाई स्कूल ये कल्याण हाई स्कूल वहां पे होता है। देखिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय को पढ़ने का बहुत शौक था, एक ब्रिलियंट स्कॉलर रहे हैं वो, यहां पे उन्होंने सर्वोच्च स्थान हासिल किया, और जहां जिस भी कॉलेज में गए वहां वो सर्वोच्च स्थान ही हासिल करके लौटे, ठीक है। बहुत ही बढ़िया थे पढ़ाई में। जब यहां पे इनको फर्स्ट पोजीशन मिली, तो इसके बाद इनको स्कॉलरशिप मिली, वहां के महाराजा ने इनको स्कॉलरशिप दी, आपको 250 रुपए दिए जाएंगे और हर महीने आपको 10 रुपए, 250 रुपए बुक्स के और हर महीने आपको 10 रुपए की स्कॉलरशिप दी जाएगी, आराम से अपनी पढ़ाई कीजिए, हम है। लेकिन यहां पे एक और बहुत बड़ा हादसा हो जाता है, पहले अपने भाई को खोते हैं और उसके बाद अपने नाना जी को खो देते हैं ये, तो एक के बाद एक इतनी ज्यादा कठिनाई आ जाती है इनके ऊपर कि दिक्कत है। लेकिन फिर भी इन्होंने ज्ञान का दामन नहीं छोड़ा दोस्तों। फिर उसके बाद ये बिरला कॉलेज में गए, पिलानी में, ठीक है। वहां पे भी इन्होंने इंटरमीडिएट जब पास किया, वहां पे भी इन्होंने टॉप किया, ठीक है। उसके बाद आगे की पढ़ाई करने के लिए ये आ गए कानपुर, सनातन धर्म कॉलेज कानपुर, वहां से इन्होंने डिग्री ली, बीए की डिग्री ली, और उसके बाद फिर आगरा चले गए सेंट जॉन्स। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो एमए वहां से पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि इनकी बहन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी।
तो फिर उनको छोड़ के जाना पड़ा। जैसा कि मैंने कहा, शुरू से ही बहुत ही ब्रिलियंट स्कॉलर थे, और मीनवाइल ये गरीब बच्चे को पढ़ाते थे दोस्तों, जिनके पास पैसा नहीं होता था और जो बहुत ही ज़्यादा गरीब होते थे, जो पढ़ने में इतने ज़्यादा तेज नहीं थे। एक बहुत ही गजब का किस्सा है, ठीक है। 10 साल के थे ये, तो इनके डकैत आ जाते हैं, ठीक है। डकैत हमला करते हैं, तो दीनदयाल उपाध्याय ये बोलते हैं कि मैंने तो सुना था, देखिए उस समय डकैतों का बहुत ज़्यादा आतंक था, हमला कर देते थे, मार देते थे, लूट के ले जाते थे, बड़ी दिक्कत थी। लेकिन दीनदयाल उपाध्याय, तो वो दीनदयाल उपाध्याय ठहरे हो, तो ऊपर उठ के कहते हैं कि मैंने तो सुना था कि जो डकैत हैं वो गरीबों को लूटते नहीं हैं, आप तो हम ही को लूट रहे हैं, ये कैसा न्याय है। तुरंत ही डकैत इस बात को समझते हैं और सारा पैसा सब कुछ वापस करके लौट जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज है 1930 के अराउंड आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ये कांटेक्ट में आ जाते हैं, हिंदुत्व की आइडियोलॉजी से बहुत ज्यादा प्रेरित। दोस्तों देखिए, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन योर टीचिंग्स, ठीक है। आप कौन सी बुक पढ़ रहे हैं और किस तरह से लोगों को देख रहे हैं। मैं आज आपको एक चीज बताना चाहूंगा, राइटिज्म और लेफ्टिज्म, एक्सट्रीम राइटिज्म और एक्सट्रीम लेफ्टिज्म, ना ही एक्सट्रीम राइटिस्ट बहुत ही बढ़िया तरीका है, ना ही एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट। सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि आप सेंटर में रहे। बहुत बार बोला जाता है कि जो न्यूट्रल लोग होते हैं, जो लिबरल लोग होते हैं, वो देश के नासूर होते हैं, वो बहुत ही बेकार लोग होते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आज आपको एक चीज बताना चाहता हूं, हमेशा अच्छी आइडियोलॉजी से पॉजिटिव चीजें निकालो, चाहे जो भी हो उसको अप्लाई करो। जब तक लिबरल डेमोक्रेसी नहीं होगी तब तक देश आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। ये रिपोर्ट में शामिल है, आप देख सकते हैं जिन जिन देशों ने एक्सट्रीम राइटिज्म अपनाया है वो भी बर्बाद है, जिन जिन देशों ने एक्सट्रीम लेफ्ट पे चले गए हैं वो भी बर्बाद है। तो कहने का मतलब ये है, और जो न्यूट्रल हैं, जिन्होंने बीच का रास्ता अपनाया है, वो आबाद है। वहां पे देख लीजिए आप कितना ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, पूरे यूरोप की अगर हम बात करें। तो कहने का मतलब ये है कि एक लिबरल डेमोक्रेसी होनी चाहिए, और यही पंडित दीनदयाल उपाध्याय का भी मानना था। भले ही उन्होंने आरएसएस ज्वाइन की थी, लेकिन जो इनके विचार थे, इनकी आइडियोलॉजी थी, वो कमाल की थी, ठीक है। अभी इनकी आइडियोलॉजी पे आएंगे कि इनका सोचना क्या था। ये क्या करते थे, इन्होंने बोला कि जितनी कम्युनिज्म है, सेक्युलरिज्म है, कैपिटलिज्म है, इन सारी फिलॉसफी को साइड में रखो, अंत्योदय एकांतवाद अपनाओ। ये क्या होता है आगे देखेंगे। आरएसएस की अगर बात करें तो 1925 में हिंदुत्व के मुद्दे पे ये बना था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये बनी थी। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए कि फाउंडर कौन थे, और उसके बाद फिर ये पार्टी आगे बढ़ती है, ये संस्था आगे बढ़ती है, काफी लोगों को ये जोड़ती रहती है। हिंदू मुस्लिम मुद्दा उस समय बहुत ज्यादा गर्म था, इससे पहले हिंदू महासभा ऑलरेडी बन चुकी थी। यहीं से ही इन्हीं की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से दीनदयाल उपाध्याय बहुत ज्यादा प्रभावित कर देते हैं, हो जाते हैं, और इस पार्टी को ज्वाइन करते हैं। उसके बाद ये फुल स्केल प्रचारक बन जाते हैं, इनके एजेंडास को प्रचार करते हैं, हिंदुत्व का प्रचार करते हैं। और उसके बाद 1948 में नाथूराम गोडसे महात्मा गांधी की हत्या कर देते हैं, आरएसएस पे बैन लग जाता है 1949 में। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ये बोल देता है, मतलब चार्जेस से बरी कर देता है कि आरएसएस की इसमें कोई गलती नहीं थी। तो फिर जो एमएस गोलवलकर हैं, जो बाद में जिनको पूरी कमान मिली थी आरएसएस की, वो ये बोलते हैं, वो अपील करते हैं जवाहरलाल नेहरू से कि आप बैन हटा लीजिए। तो जवाहरलाल नेहरू बोलते हैं होम मिनिस्टर कुछ कर सकते हैं, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल से फिर वो अपील करते हैं, फिर काफ़ी कंडीशंस होती है, और अल्टीमेटली आरएसएस पे बैन हटा लिया जाता है, ठीक है, आरोपों से वो मुक्त हो जाते हैं। तो आरएसएस में ये ज्वाइन करते हैं, और उसके बाद फिर भैया सबसे बेहतरीन चीज़, लिखना इनको बहुत ज़्यादा पसंद था, बेहतरीन राइटर थे ये, बहुत जल्द एडिटर बन जाते हैं, ठीक है, बहुत जल्द एडिटर बन जाते हैं, और काफी चीजें ये पब्लिश करते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है राष्ट्र धर्म, इसको भी जो हिंदुत्व नेशनलिज्म को बढ़ावा देता है, बताता है कि हिंदुइज्म क्या है। दोस्तों हिंदुइज्म एक सोच है, ठीक है, आप सोच को कभी नहीं मार सकते। हिंदुइज्म अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग परिभाषा है, आप जितने ग्रंथ देखेंगे तो उसमें अलग अलग परिभाषा है, ठीक है, हर चीज की डेफिनेशन अलग है। मैं बहुत जल्द इस पे भी लेक्चर लाऊंगा, ठीक है। तो ये चीज है। अब 1951 में एक बहुत ही जबरदस्त चीज हो गई, एक और कद्दावर नेता श्याम प्रसाद मुखर्जी ने, पहले थे ये जिन्होंने कैबिनेट से इस्तीफा दिया था, बहुत ज्यादा मतभेद थे, जिस तरह से पार्टी जो कांग्रेस थी वो जो रिफॉर्म्स ला रही थी उनसे बिल्कुल भी ये सहमत नहीं थे, इन्होंने
इस्तीफा दिया और अक्टूबर 1951 में जनसंघ की स्थापना हो जाती है और पंडित दीनदयाल उपाध्याय इसी जनसंघ के बाद में सेक्रेटरी बनने वाले होते हैं और उसके बाद उनकी फिर मर्डर या डेथ क्या है कोई अभी तक नहीं जानता। अब क्या है, दीनदयाल उपाध्याय इतने बेहतरीन नेता थे कि श्याम प्रसाद मुखर्जी ने यह बोला था कि अगर मुझे दो दीनदयाल उपाध्याय मिल जाए तो मैं पूरी राजनीति ही बदल दूं भारत की। ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय यहां पे हर चीज में बिलीव करते थे कि यहां पे हर कोई रहे, प्रेम से रहे, मानवता को सबसे ऊपर रखा जाए, ये इनका पहला मोटिव होता था। ठीक है, अगर जनसंघ की बात करें तो 1951 में जनसंघ की स्थापना हुई और उसके बाद फिर आगे चल के जनता पार्टी बनी। ठीक है, जनता पार्टी 1975 में जब इमरजेंसी लगी थी तो उसके बाद फिर जनता पार्टी जयप्रकाश नारायणन। ठीक है, जनता पार्टी से फिर बीजेपी अलग हुई। ठीक है, वहां से फिर भारतीय जनता पार्टी बनी और फिर भारतीय जनता पार्टी का जो सफर है वो मैंने अटल बिहारी वाजपेयी की जीवनी में समझाया है कैसा था। ठीक है, और उसके बाद फिर आज तो बीजेपी की सरकार है, तो इस तरह से था। तो यही जनसंघ आगे जाके भारतीय जनता पार्टी बनने वाली थी। ठीक है, तो अब क्या था कि बहुत जल्दी दीनदयाल उपाध्याय का उदय हुआ पार्टी में, बहुत ही जल्दी इनके काम की वजह से, इनकी डेडिकेशन की वजह से, जिस तरह से ये सपने एडिटोरियल्स को मैनेज कर रहे थे, तुरंत ही ये पार्टी में सबसे ऊपर गए। ठीक है, अब क्या है, ये उत्तर प्रदेश के भी जनरल सेक्रेटरी बनाए गए। देखिए दोस्तों, सेक्रेटरी सबसे बड़ी पोस्ट होती है, जो सेक्रेटरी बनता है वही बाद में जाके पार्टी का लीडर भी बनता है, तो जो सेक्रेटरी बन गया वो समझ लीजिए लीडर भी बन गया। ठीक है, तो ये चीज थी। और यहां पे आरएसएस में ऐसे ही नहीं इनको एडमिशन मिल गया था, दोस्तों आपने शाखा सुनी होगी। ठीक है, आरएसएस शाखा चलाती है वहां, उनका एक पूरा हिंदुइज्म पे, एक जो हमारे ट्रेडिशनल जो हमारा टीचिंग सिस्टम था उस हिसाब से वो कंडक्शन होता है, वहां पे ट्रेनिंग होती है। ठीक है, 2 साल तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने ट्रेनिंग ली और उसके बाद एक स्वयं सेवक बन गए। ठीक है, देश के हित में अपने निर्माण में निकाल दिया। ठीक है, यहां पे व्यक्ति की बात हो रही है दोस्तों। ठीक है, ये डेमोक्रेसी है, आप किसी को भी सपोर्ट कर सकते हैं, मेरा काम है फैक्ट्स रखना, लेकिन यहां पे दोस्तों हमेशा व्यक्तियों की, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, उनको आइडियलाइज करिए, उनकी आप आइडियोलॉजी देखिए और फिर विचार करिए कि वो कैसे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जो फिलॉसफी थी, बेहतरीन फिलॉसफी थी। ठीक है, अब हम आते हैं इनकी आइडियोलॉजी पे। देखिए दोस्तों, ये सबसे बेहतरीन चीज है इस लेक्चर की। पंडित दीनदयाल उपाध्याय मानते थे, दो चीजों में मानते थे। सबसे पहले तो एकांतवाद, कि सब कुछ को इंटीग्रेट करके ये वन है, यूनिवर्स भी यही कहता है, पूरी थ्योरी जो है साइंस और अगर सबको मिला दें तो वो क्या कहता है, यूनिवर्स इज बैलेंस, सब कुछ जीरो है, हर चीज एक है, किसी ना किसी का कनेक्शन हर चीज से है, मतलब हर एक इंसान यहां पे एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, अगर किसी पे इफेक्ट होगा तो वो आप पे भी आएगा, यही दीनदयाल उपाध्याय का मानना था। उस समय तक कम्युनिज्म हो गया, सेक्युलरिज्म हो गया, कैपिटलिज्म हो गया और भी काफी फिलॉसफी जो थी वो आ गई थी, लेकिन उनका यह मानना था कि आप एकांतवाद पे चलिए। अब ये एकांतवाद है क्या, ठीक है, देखिए क्या है कि इंसान सिलॉक्स डायग्राम से उन्होंने, या मंडलाकार जिसको बोलते हैं हिंदी में, उससे समझाया था उन्होंने, एक इंसान यानी कि व्यक्ति ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन आता है परिवार से, ठीक है, फैमिली आती है कहां से, देश से, राष्ट्र, ठीक है, और ये फैमिली आती है सोसाइटी से, मतलब सोसाइटी में रहती है, और उसके बाद आता है आपका राष्ट्र, कंट्री, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, आप इनको अलग करके देख नहीं सकते। दूसरी जो इनकी, ये तो पहली थी, दूसरी जो इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी, आज हर पॉलिसी में उनका नाम आता है, अंत्योदय, जो शायद सबसे बेहतरीन चीज है। भारत उस समय नेहरूवियन सोशलिस्ट मॉडल जो है वो फॉलो कर रहा था, अंत्योदय योजना उन्होंने बोली थी कि हर किसी की यहां पे बात होती है, यहां पे कैपिटलिज्म की बात होती है, यहां पे लेबर क्लास की बात होती है, बट सीढ़ी में जो सबसे पहले पहुंचा है उसको हमको नहीं देखना है, अंत्य प्लस उदय, अंत में जो खड़ा है इंसान, जो पंक्ति में सबसे लास्ट में है, सीढ़ी के सबसे नीचे है, उसको उदय करो, जब तक उसका उदय, जब तक उसके हित को सामने नहीं रखा जाएगा, उस गरीब की बातों को नहीं समझा जाएगा, क्योंकि वो ये सारी चीजें देख चुके थे, तब तक कुछ नहीं होना है। तो इसीलिए
और उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात एक और चीज कही थी, उन्होंने बोला था कि देखो दोस्तों क्या है कि हम वेस्टर्नाइजेशन हम बिल्कुल अपनाएं, हम बाहर की चीजों को बिल्कुल लें, लेकिन हम उसमें लिप्त ना होए, अपने ट्रेडिशंस को भूलना नहीं है हमको, हम भारतीय सभ्यता के हिसाब से इन ट्रेडिशंस को अप्लाई करना है, अगर हम वेस्टर्नाइज हो गए पूरी तरह तो हम वहीं खत्म। यही चीज हो रही है दोस्तों, आज भारत का डेवलपमेंट इतना क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हम वेस्टर्न मॉडल को छोड़ ही नहीं पा रहे हैं। आप उसका सीधा सीधा परिणाम देख सकते हैं, सरकारी स्कूल देखिए, एजुकेशन रिफॉर्म्स अभी तक नहीं आ पाए हैं, अनाप शनाप एक आज मिडिल क्लास के लिए बच्चों को स्कूल में भेजना मुश्किल हो गया है, कोई देखने वाला नहीं है, अनाप शनाप फीस होती है, फॉर्म्स के लिए लंबी लाइन लगाई जाती है, सरकारी स्कूल जो सरकार चलाती है आपको स्टूडेंट से ज्यादा वहां पे जानवर मिलेंगे, है ना। मेरे बगल में एक सरकारी स्कूल है, वहां पे शादियां होती है, बगल में एक बहुत बड़ा, उसी के अंदर एक बहुत बड़ा सा पॉन्ड है जहां पे भैंसें नहाती हैं। तो दोस्तों ये कंडीशन हो गई है। दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था कि हमको वापस गुरुकुल की जैसे पढ़ाई करनी होगी, उन्होंने बोला था चिकित्सा और शिक्षा ये निःशुल्क होनी चाहिए, ये सबको हमको फ्री में देखना है, हमको देश बनाना है, ठीक है। उन्होंने बोला था, दीनदयाल उपाध्याय का मानना था कि एक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉपर होना चाहिए। अब यहाँ पे पुलिस रिफॉर्म्स नहीं आए हैं, हम पूरा वेस्टर्नाइजेशन मॉडल फॉलो कर रहे हैं, पता नहीं सारी चीजें कब होगी। एक गरीब के लिए दोस्तों आज जीवन बिताना बहुत ज्यादा मुश्किल है, भले ही कोई भी कितना भी आइडियोलॉजी को एडवोकेट करे कि ये है वो है, लेकिन जो दोस्तों सच्चाई है वो सच्चाई है, ठीक है। दीनदयाल उपाध्याय की जो पर्सनल जो आइडियोलॉजी थी वो सीधा सीधा यही कहती थी कि आखिरी में जो खड़ा है इंसान उसको डेवलप करो अपने आप। सत्ता एक साधन नहीं है। आजकल जितनी भी पार्टीज हैं, कोई भी हो दोस्तों, जितनी भी पार्टी है ना, ये सोचते हैं कि पॉलिटिक्स उनकी जागीर है, लोग उनके जागीर हैं। दीनदयाल उपाध्याय ने बोला था ये एक राष्ट्र निर्माण का टूल है, इससे हम राष्ट्र का निर्माण करते हैं, ये कोई साधन नहीं है, ठीक है। तो ये कोई पावर नहीं है, ठीक है। इस पावर को आप बहुत ही अच्छे से मानवता के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली ये सब किससे जुड़ा है, ह्यूमैनिटी से, मानवता के निर्माण के लिए सबकी चीजें करें। तो और हिंदू अपने ट्रेडिशन को तो बिल्कुल ना छोड़ें, ठीक है। जब तक हम इससे जुड़े रहेंगे तब तक तो भारत डेवलप करेगा, जब हमने इसको छोड़ा तो शायद इतनी ज्यादा डेवलपमेंट नहीं होगी। उन्होंने मॉडर्न टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा स्वागत किया, उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ रही है, साइंस आ रहा है, लेकिन हमको अपने हिसाब से उसको भारतीय सभ्यता में डाल के अप्लाई करना है, वरना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। इन्होंने एक क्रांति को जन्म दिया और ये क्रांति थी आइडिया की क्रांति, आपके सोच की क्रांति, ठीक है। तो ये चीज थी दोस्तों, हम स्वदेशी पे, हम फॉरेन पे निर्भर नहीं हो सकते। उस समय पूरा इंपोर्ट होता था, बाद में हालांकि काफी इस पे चीजें हुई हैं, ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन आया, हम सेल्फ रिलायंस बन गए, सारे फूड आइटम्स वहां से इंपोर्ट होते थे, गेहूं इंपोर्ट होता था अमेरिका से, अमेरिका बार बार धमकाता था हमको, ठीक है। तो ये चीज थी। अब क्या है कि पार्टी सेक्रेटरी बन गई है, सबसे ऊपर 1967 में इनको प्रेसिडेंट बना दिया जनसंघ का, और उसी वो मनहूस दिन आ गया 10 फरवरी 1968 में, लखनऊ से पटना इनको जाना था, इन्होंने सियालदा एक्सप्रेस पकड़ी, कुछ लोग आते हैं, डकैत आते हैं, इनको मार देते हैं। अब दोस्तों ये कुछ कह नहीं सकते कि देखिए, जब इनका उदय हो रहा था तो पार्टी में काफी लोग इनसे बहुत ज्यादा जलते थे, वो नहीं चाहते थे ये आगे आए, तो ऐसा पॉसिबल है कि हो सकता है कि इनका मर्डर हो गया हो। अब इस पे तो मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा क्योंकि सीबीआई ने और सबने क्लीन चिट दे दी है, जो कमिटी भी बिठाई थी क्योंकि बहुत ज्यादा मांग उठी है, उन्होंने भी क्लीन चिट दे दी है, लेकिन इनकी इनकी जो लाश थी, इनका जो शव था, वो मुगल सराय के पास स्टेशन के आगे खंबे के पास मिला, 5 रुपए का नोट, और उस समय इनके पास खाली 26 रुपए थे, बताइए, ठीक है। तो 5 रुपए का नोट इनके हाथ में मुट्ठी में था, और उस समय जब ट्रेन ये मुगल सराय पहुंची और उपाध्याय, दीनदयाल उपाध्याय जो थे वो ट्रेन में नहीं मिले, और फिर मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस के अंदर 11 फरवरी 1968 में मर्डर हो गया था, ठीक है, इनकी बॉडी मिली थी। तो वही बता रहा हूँ कि फिर उसके बाद काफ़ी ज़्यादा इस पर चर्चा हुई और बोला कि इस पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, आप सब जितने भी एमपीज थे उन्होंने ये डिमांड की
कि वैसे ही बहुत ज़्यादा इनके पॉलिटिकल राइवल्स थे, हो सकता है इनका मर्डर हो गया हो। उसके बाद फिर कमिटी बनाई गई, ठीक है, वाई वी चंद्रचूड़। तो उन्होंने बोला कि देखिए मेरे पास कोई ऐसे सबूत नहीं है जिससे मैं ये बोल सकूं कि इनका मर्डर था या इनका डेथ थी। अभी तक जितने भी सबूत मिले हैं सीबीआई ने जितना भी, तो वो यही लगता है कि रॉबर्ट्स आए और रॉबर्ट्स ने उनको धक्का दिया कोच से और वहां पे उनकी डेथ हुई। ठीक है, अगर मेरे पास कोई नए सबूत आएंगे तो मैं इसको बिल्कुल वेलकम करूंगा। तो ये चीज थी। तो फिर वही चीज इन्होंने बोला और ये मैंने आपको कोट कर दी है। ठीक है, तो फिर भी ये तो उपाध्याय का अंत था और ये बहुत ही दुखद अंत था, क्योंकि इनको बहुत आगे जाना था और हो सकता है अगर आगे जाते तो वाकई में कुछ अच्छा करते। ठीक है, बिल्कुल अच्छा करते आइडियोलॉजी के हिसाब से, लेकिन अब जैसा है वैसा है। फिर भी दीनदयाल उपाध्याय की आइडियोलॉजी वाकई में अनडाउटेडली एक बेहतरीन फिलॉसफी थी कि किस तरह से भारत को आगे ले जाना है। आप किसी को फॉलो मत करिए, लेकिन लोगों की आइडियोलॉजी को, चाहे वो कांग्रेस में हो, चाहे वो बीजेपी में हो, चाहे कहीं पे भी हो, अगर उनकी आइडियोलॉजी अच्छी है, अगर वो देश का हित, क्योंकि अल्टीमेटली दोस्तों हमको देश को डेवलप करना है, अगर हम देश का हित चाहते हैं तो उनकी फिलॉसफी फॉलो करिए। ठीक है, डेमोक्रेसी आप जो चाहे फॉलो कर सकते हैं, मेरा काम था आपको बताना। ठीक है, आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी है, एक ट्रिब्यूट है पंडित दीनदयाल उपाध्याय को। तो आशा करता हूं कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा, इसको जरूर शेयर कीजिए, सबको पता चलना चाहिए। बहुत जल्द हाजिर होऊंगा मैं अपने नए लेक्चर के साथ, तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ, शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।